मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर आयोजन और मेलों के दौरान सुरक्षा संबंधित बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित जिलों के अधिकारियों, मेला आयोजन ट्रस्टों के प्रतिनिधियों और चिन्हित धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं की बैठक ली। सरकार की तरफ से क्या क्या अपेक्षाएं उनकी है, मेहनतों की, पुजारियों की, वो कैसे पूरी हो, और सरकार खुद क्या सोचती है मंदिरों के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं जी सरकार का दखल कम से कम हो, परंतु मैनेजमेंट जो है वो चाहे उनके सुरक्षा गार्ड खुद के हैं लगे हुए हैं, चाहे वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से हो कि जिससे श्रद्धालु आए दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, उनको लगे कि राजस्थान में अगर गए हम लोग तो वहाँ पर व्यवस्थित हमें दर्शन करने का लाभ मिला। उस पर अगर वो धक्के खाते रहे वहाँ पर और असुविधाएं हो, पीने के पानी का पता नहीं, सुविधाएं जो होती है मनुष्यों के लिए उनका पता नहीं है, तो बहुत तकलीफ होती है आदमी। हम चाहेंगे राजस्थान एक ऐसा डेस्टिनेशन बने, टूरिज्म डेस्टिनेशन बने, रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन का भी बहुत बड़ा महत्व है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पास धन की कमी नहीं है। हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को जो प्रोग्राम किया इस बार, पहले 500 करोड़ था, 1000 करोड़ कर दिया, उसमें धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के अकाउंट में जहाँ जहाँ आप उपयुक्त समझते हैं कि यहाँ हमें सुविधा ऐसी मिलनी चाहिए, उसमें मैं समझता हूँ कि चाहे पेयजल की बात है, सीवरेज की बात है, कोई बस स्टैंड की बात है, और भी आधारभूत संरचना हो सकती है वहाँ पर, ये तमाम जो आज जुड़े हुए साथी हमारे धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपना नोट बना करके मेला प्राधिकरण को भेज दें, डिपार्टमेंट को भेज दें। हम चाहेंगे कि योजना में तरीके से कैसे विकास हो, जिला प्रशासन से क्या समस्याएं हैं या उनका क्या आप सहयोग चाहते हैं, जिला प्रशासन आपसे क्या अपेक्षा करता है, उसका भी आप ध्यान रखें।